Hello students, in the previous video we have studied about the types of Fourier series and we have analyzed the complex Fourier series and we have analyzed that how by using complex Fourier series coefficient we can calculate other Fourier series coefficient. So we have concluded in the last video that complex Fourier series is most important for us. Okay, so in this video I will analyze the complex Fourier series or exponential Fourier series in detail and I will use some examples to clear the concept of exponential Fourier series. Okay, so first example jo main lene wala hu yahan par aapke liye ye hai aapka, aapko ek periodic signal given hai xt. Obvious si baat hai, aapko hamesha periodic signal hi given hoga. तो आपको XT एक पीरियोडिक सिग्नल गिवन है जो कि इंपल्स ट्रेन है. ओके, तो इस तरीके से आपको पीरियोडिक सिग्नल यहां पर गिवन है. जीरो पर भी आपका अवेलेबल है इंपल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो अप टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जीरो टू फोर सिक्स माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स एंड सो ऑन, सबके एम्पलीट्यूड आपके वन है, ठीक है. तो ये आपको XT यहां पर गिवन है और आपको इस XT के लिए अब कैलकुलेशन करना है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कॉफिशियंट. ओके, और एक बार अगर हमारा एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कॉफिशियंट हो गया तो हम बार की सारे कॉफिशियंट कैलकुलेट कर सकते हैं और हम फोरियर सीरीज भी लिख सकते हैं, ये बात हमें पता है. ओके, तो यहां पर सबसे पहले हमें यह एनालाइज करना होगा कि ये जो गिवन सिग्नल है उसका टाइम पीरियड कितना है. उसका टाइम पीरियड क्लियरली आपको दिख रहा है टू है, ठीक है. और हमें यह बात हमेशा माइंड में रखनी है कि जो ओमेगा नॉट यूज होता है फोरियर सीरीज में वो होता है टू पाई अपॉन टी. क्लियर है अच्छे से. नाउ अब अगर मैं यहां पर सी एन का फॉर्मूला लिखूं फोरियर सीरीज कॉफिशियंट का, तो होता है वन बाई टी माइनस टी बाय टू से प्लस टी बाय टू एक्स टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी. ओके, तो यहां पर आपने देख लिया ऑलरेडी कि टाइम पीरियड आपका टू है, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं. देखिए आप यहां पर टाइम पीरियड अगर टू है तो टी बाय टू कितना हो जाएगा वन, तो माइनस वन से वन के बीच में एक्स टी क्या है ये हम देख लेते हैं पहले फिगर से. तो आप देख लीजिए माइनस वन से प्लस वन के बीच में एक्स टी जो है, आप वन मत बोलिएगा ना, वन मतलब होता पूरा वन होता डीसी सिग्नल, ये सिर्फ जीरो पर एक इम्पल्स है, ठीक है ना. मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, डेल्टा टी. तो क्या होगा सी एन आपका, सी एन हो जाएगा वन बाई टू माइनस वन से प्लस वन डेल्टा टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी. ओके, और हमें पता है कि आपकी जो डेल्टा टी की इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी होती है उसमें हमें क्या करना होता है, आपको बस देखना है डेल्टा टी माइनस टी नॉट. टी नॉट कितना है जीरो, तो डेल्टा टी के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है एक्स टी, ठीक है. तो आपको क्या पुट करना है, एक्स टी में टी की जगह टी नॉट, मतलब एक्स टी में टी की जगह जीरो, तो ई की पावर जीरो क्या होता है वन, तो आंसर क्या हो जाएगा वन बाय टू. क्लियर है अच्छे से. तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, इम्पल्स की इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी. तो हमारा सी एन देखिए बहुत ईजिली आ गया है वन बाय टू. अब अगर हमें सी एन पता है तो हम चाहें तो सी नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर सी एन वन बाई टू है एन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो सी नॉट भी क्या होगा आपका वन बाई टू होगा, क्योंकि एन की किसी भी वैल्यू के लिए सी एन क्या होगा वन बाय टू. ओके, अगर आप चाहो तो यहां पर फोरियर सीरीज भी लिख सकते हो. क्या होता है फॉर्मूला, समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी. तो क्या हो जाएगा फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आपका, समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट सी एन कितना है वन बाई टू ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट आपको बता चुका हूं टू पाई अपॉन टी होता है, देख सकते हैं आप यहां पर, तो टी कितना है टू, तो टू पाई अपॉन टू कितना आ जाएगा पाई, तो जे एन पाई टी. ये हो गया आपका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, देखिए कितनी आसानी से आ गया हमारा. नाउ हम चाहें तो हमें सी एन पता है तो हम ए एन बी एन आर एन ये सारी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आप देखिए यहां पर जो ए एन है आपका
वो कितना हो जाएगा, आप समझिए यहां पर कि जो आपका cn है वो रियल है, मतलब जो आपका bn है वो तो जीरो होगा, और cn का फॉर्मूला क्या होता है, an माइनस jbn बाय 2, तो bn तो जीरो है, मतलब an बाय 2 जो है वो आपका cn है। क्लियर है अच्छे से, क्योंकि bn जीरो है, तो an बाय 2 इज इक्वल टू cn, तो an क्या हो जाएगा 2cn। क्लियर है अच्छे से, तो an कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर, नाउ rn की बात करें तो rn क्या होता है, अंडर रूट an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, तो अगर आपका bn 0 है तो rn an के इक्वल ही हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार बस हमारा क्या कैलकुलेट हो जाए, cn कैलकुलेट हो जाए। क्लियर है अच्छे से, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं आपको देने वाला हूं, जो कि हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा, ये यूनिवर्सल कंक्लूजन होगा, तो मैं इस क्वेश्चन का एग्जांपल के थ्रू आपको वो कंक्लूजन दे रहा हूं। देखिए यहां पर अगर आप एक्सटी को देखें तो एक्सटी जो है वो आपका इवन सिग्नल है, ठीक है ना, अगर मैं उसे वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में पलटी कर दूं तो सेम रहेगा, जैसे कि मैं बोलूं अगर मैं एक्स ऑफ माइनस टी निकालूं तो वो ऑलवेज इक्वल होगा एक्सटी के, तो जो क्वेश्चन में आपको एक्सटी दिया है वो आपका इवन सिग्नल है। तो आप देखिए cn क्या आया है आपका, cn आया है 1/2, 1/2 मतलब कोई डीसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक उसकी वैल्यू हमेशा 1/2 ही रहने वाली है। क्लियर है ना अच्छे से, तो जैसे मैं चाहूं तो आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर देख सकते हैं आप लोग जो आपका cn यहां पर बना है, जनरली अगर मॉड ऑफ cn बात करूं तो माइनस इनफिनाइट से लेकर प्लस इनफिनाइट तक उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है आपकी, 1/2 ही रहने वाली है, क्योंकि n पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, डीसी वैल्यू है ना। क्लियर है अच्छे से, तो ये भी आपका क्या है, इवन है, क्योंकि ये आपका c ऑफ माइनस n भी अगर आप निकालते हैं तो वो cn के इक्वल आएगा। इसका मीनिंग क्या निकला कि जो क्वेश्चन में xt दिया था वो आपका इवन था और साथ साथ में वो रियल भी था, आप देख सकते हैं सारे एम्पलीट्यूड आपके 1-1-1 थे, ठीक है, तो अगर आपका XT रियल और इवन था तो CN को आप देखिए CN भी आपका रियल एंड इवन ही आया है, रियल है क्योंकि एम्पलीट्यूड 1/2 है, इमेजिनरी कोई टर्म नहीं है, और आपका इवन है, आप क्लियरली देख सकते हैं फिगर से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है आपके लिए कि अगर आपका XT जो है वो अगर आपका रियल एंड इवन है तो जो CN आएगा आपका वो भी आपका रियल एंड इवन ही होगा, ये आपको पॉइंट माइंड में रखना है। क्लियर है अच्छे से, नाउ इस कंसेप्ट के साथ ही हम अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे, जो कि मैं दूंगा आपको नेक्स्ट एग्जांपल से, ठीक है, बट पुराना क्वेश्चन यूज होगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, अब नया एक्सटी ले रहा हूं, ठीक है, एक्सटी सिग्नल फिर से आपके लिए ले रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है। तो अब आप देखिए मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, मैं आपके सिग्नल को जो कि मेरा एक्सटी सिग्नल था वो किस तरीके से था आपका 0, 2, 4, 6, ओके, तो मैं इसी सिग्नल की तरह अब एक नया सिग्नल बना रहा हूं, आपको मुझे रिलेशनशिप बताना है कि क्या रिलेशनशिप है, ओके। तो देखिए आप क्या मैं बना रहा हूं सिग्नल, यहां पर मैं एक न्यू सिग्नल बना रहा हूं जो इस तरीके से है, -0.5 पर एक इंपल्स है, देन -2.5 पर है, देन आपका -4.5 पर है, यहां पर प्लस साइड में 1.5 पर है, 3.5 पर है, एंड सो ऑन, ठीक है, सबके एम्पलीट्यूड सेम है आपके 1-1-1, ओके। तो यहां पर रिलेशन मैं जैसा बोला आपको, पुराने एक्सटी से इस एक्सटी का रिलेशन आपको बताना है वो आप बता लेंगे, लेकिन पहले मैं आपके लिए नॉर्मली सॉल्व कर देता हूं, फिर हम लोग रिलेशन फॉर्म करेंगे और फिर एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो पहले नॉर्मली सॉल्व करता हूं, तो cn क्या होगा, 1/t, सबसे पहले लिखना है 1/t, तो देखिए टाइम पीरियड कितना है, 1.5 पे है तो 3.5 पे है, -0.5 पे है तो -2.5 पे है, मतलब 2-2 का ही गैप है ना, तो टाइम पीरियड आपका 2 ही है, तो 1/t मतलब 1/2, -t/2 से +t/2 मतलब -1 से +1, xt, तो अब आप देखिए -1
यहां कहीं आएगा प्लस 1, दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक इंपल्स है माइनस 0.5 पर, मतलब क्या हो जाएगा ये डेल्टा टी प्लस 0.5, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टी इक्वल टू 0.5 माइनस 0.5 पर एक इंपल्स है आपका, साथ में क्या होता है ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर अब आप देखिए जो आपका सी एन है वो कितना हो जाएगा, देखिए आप सी एन हमारा हो जाएगा 1/2। ओके, आपकी यहां पर फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स, देखिए इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स में डेल्टा टी माइनस टी नॉट होता है, यहां पर टी प्लस है मतलब टी नॉट की वैल्यू क्या है माइनस 0.5, जो आप प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वहां पर डेल्टा टी माइनस टी नॉट होता है ना, ध्यान दीजिएगा यहां पर साइन प्लस है मतलब टी नॉट की वैल्यू क्या रही होगी माइनस 0.5। अब एक्स टी क्या है ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, तो उस एक्स टी में आपको टी की जगह पुट करना है टी नॉट दैट इज माइनस 0.5, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा ई की पावर प्लस जे एन ओमेगा नॉट, ठीक है टी की जगह पुट करना है 0.5 क्योंकि माइनस आप ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस कर चुके हैं, क्लियर है अच्छे से। तो ये आपका आंसर आ गया सी एन का। ओके, तो यहां पर अगर आप आंसर को समझें तो ये जो सी एन आया है आपका वो आया है कॉम्प्लेक्स सिग्नल, देख सकते हैं ई की पावर जे थीटा का फॉर्मेट है, कॉम्प्लेक्स आया मतलब कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा का फॉर्मेट है। तो यहां पर सी एन कॉम्प्लेक्स तो आया है, क्या इवन या ऑड कोई सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो आप सी ऑफ माइनस एन पुट करके देखिए, सी ऑफ माइनस एन अगर आप करते हैं तो e की पावर माइनस जे थीटा आता है, तो उससे तो इवन नहीं हो पाएगा क्योंकि सी ऑफ माइनस एन सी एन के इक्वल नहीं आएगा। क्या सी ऑफ माइनस एन माइनस सी एन के इक्वल आ रहा है, नहीं ये भी नहीं हो पा रहा है। वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि सी एन जो है अगर कॉम्प्लेक्स आपका रिप्रेजेंटेशन शो हो रहा है सी एन का फॉर रियल एक्स टी तो वो आपका इवन कॉन्जुगेट सिग्नल होता है, ठीक है ना, तो ये इवन या ऑड सिग्नल नहीं होगा, क्लियर है अच्छे से, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लेक्स है ना रियल नहीं है, रियल के लिए या तो इवन होता है या तो ऑड होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है इवन कॉन्जुगेट या ऑड कॉन्जुगेट। तो जब भी आप एन की जगह माइनस एन पुट करेंगे तो ना तो ये आपको इवन सिग्नल मिलेगा ना ही ऑड सिग्नल मिलेगा, लेकिन हां अगर आप सी ऑफ माइनस एन का कॉन्जुगेट कर लेंगे तब भी आपको मिल जाएगा इवन कॉन्जुगेट या ऑड कॉन्जुगेट जो भी है, ठीक है। लेकिन यहां पर मेरा टारगेट है इवन या ऑड सिग्नल जो कि नहीं है, तो ये नाइदर इवन है नॉर ऑड है। तो अब आप देखिए यहां पर एक्स टी जो था वो क्या था आपका, वो रियल तो था क्योंकि एम्पलीट्यूड सारे आपके 1-1 थे, बट क्या वो इवन या ऑड था, तो आप देखिए नहीं, क्यों नहीं, इवन होने के लिए जीरो के इस तरफ अगर 1.5 है राइट साइड तो जीरो के लेफ्ट साइड माइनस 1.5 पे होना चाहिए था जो कि नहीं है। ऑड के लिए ओरिजिन के सिमेट्रिकल होना चाहिए था, मतलब अगर ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव है तो ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव होना चाहिए था, तो ना तो ये इवन है ना ही ऑड है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप और दे सकते हैं कि अगर आपका जो एक्स टी है वो रियल एंड नाइदर इवन नॉर ऑड है तो जो आपका सी एन है वो ऑलवेज होगा कॉम्प्लेक्स एंड नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, क्लियर है अच्छे से, ऑब्वियस ही बात है ये इवन कॉन्जुगेट होगा, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं जब एक्स टी रियल होता है तो सी एन आपका इवन कॉन्जुगेट होता है, अगर कॉम्प्लेक्स सी एन आपको दिख रहा है तो बहुत आराम से आप प्रूव कर सकते हैं इसे, क्लियर है अच्छे से। नाउ ये तो हमने एक और कंक्लूजन देख लिया, लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्ट में कहा था इस क्वेश्चन के, क्या ये जो क्वेश्चन आपको मिला हुआ है उसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं क्या कि इस क्वेश्चन का प्रीवियस क्वेश्चन से क्या रिलेशनशिप है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन आपका इवन सिग्नल था, एक था जीरो पर, एक था टू पर, एक था फोर पर, सिक्स पर, ठीक है माइनस टू पर, माइनस फोर पर एंड सो ऑन। तो इस सिग्नल को आपने क्या किया होगा कि आपको नेक्स्ट सिग्नल का एक्सटी मिला होगा, तो आप देखिए
जो इंपल्स आपका जीरो पर था प्रीवियस क्वेश्चन पर वो अब आपका माइनस पॉइंट फाइव पर है, जो आपका पॉजिटिव साइड में टू पर था वो आपका 1.5 पर है। मतलब बेसिकली आपने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया आपने प्रीवियस क्वेश्चन को, तो आपको ये क्वेश्चन मिल गया 0.5 से आपने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है। ओके तो क्या मीनिंग है कि आपने बेसिकली जो आपका न्यू एक्सटी जो आपने लिखा है, मतलब जो आपने इस क्वेश्चन में एक्सटी लिखा है वो आपका ओल्ड एक्सटी का क्या है 0.5 लेफ्ट शिफ्ट आपने ओल्ड एक्सटी को किया है। प्रीवियस क्वेश्चन के एक्सटी को आपने 0.5 से शिफ्ट किया है, तो अगर मैं न्यू एक्सटी को यहां पर एक्स एन टी मान लू, आपका जो ओल्ड एक्सटी है एक्स ओ टी, ठीक है ना, क्या शिफ्टेड है आपका टी प्लस 0.5, ठीक है ना। तो एक्स एन टी क्या है एक्स ओ टी प्लस 0.5, मतलब आपने प्रीवियस क्वेश्चन को 0.5 से लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है। जब प्लस होता है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है ना, तो आपको न्यू एक्सटी मिल गया। तो क्या एक प्रॉपर्टी अब हम लिख सकते हैं, तो फोरियर सीरीज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो होती है आपकी कि अगर एक्सटी का फोरियर सीरीज कॉफिशियंट सी एन है तो एक्स टी प्लस माइनस टी नॉट का फोरियर सीरीज कॉफिशियंट जो है वो होता है सी एन ई की पावर प्लस माइनस, जैसे यहां पर प्लस माइनस था, जे एन ओमेगा नॉट टी नॉट, जे एन ओमेगा नॉट टी होता है ना, तो टी की जगह बस टी नॉट कर दीजिए। तो आप देखिए यहां पर सी एन प्रीवियस एक्स टी का सी एन आया था 1/2 ओल्ड एक्स टी का, प्लस 0.5 था ना यहां पर, तो ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी नॉट प्लस 0.5, सेम आंसर आपका आ जाता, ठीक है ना, क्लियर अच्छे से। तो ये कहलाती है आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर सीरीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसी सीक्वेंस में आप, जिसे अब आप डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे, समझने की कोशिश करिए। यहां पर देखिए अगर मैं नया एक्स टी एक और बनाऊं जिसे मैं इस तरीके से लिखूं 0.5 2.5 एंड सो ऑन, सेम नेगेटिव साइड में -1.5 -3.5 एंड सो ऑन, सबके एम्पलीट्यूड फिर से आपके 1 है। तो अगर आप ध्यान से देखें अपने फर्स्ट क्वेश्चन को फिर से, तो फर्स्ट क्वेश्चन 0 पर था, 2 पर था, 4 पर था, तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को प्लस 0.5, मतलब आप 0.5 से राइट साइड शिफ्ट कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा 0.5 पर एक इंपल्स, एक 2.5 पर, यहां पर क्या हो जाएगा -1.5 पर। तो एक तरह से ये जो नया आपने क्वेश्चन बनाया है ये आपका वही है कि जो आपका एक्स ऑफ एन टी है, जो नया एक्स टी आपने बनाया है, वो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एक्स ऑफ ओ टी, आपने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को एक्स टी को आपने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, और राइट साइड शिफ्ट करने के लिए हमें माइनस साइन यूज करना होता है। तो 0.5 से शिफ्ट किया था तो टी माइनस 0.5, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब तो कितना हो जाएगा हमारा जो नया सी एन आपका आएगा वो हो जाएगा 1/2 देन ई की पावर, अब आपका साइन माइनस है तो यहां भी माइनस होगा, माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी नॉट, टी नॉट कितना है 0.5, क्लियर है अच्छे से। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं बाय यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर सीरीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उससे अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट डेवलप करेंगे। देखिए यहां पर मान लीजिए आपका एक्सटी कुछ इस तरीके से है, ये आपका एक्सटी आपको गिवन है, देखिए यहां पर माइनस 0.5 पर 1 है तो प्लस 0.5 पर माइनस 1 है, 1.5 पर 1 है तो 2.5 पर माइनस 1 है। उसी तरीके से नेगेटिव साइड में ऑल सैंपल्स डिनोट कर दीजिए, तो माइनस 1.5 पर माइनस 1 है तो माइनस 2.5 पर 1 है, ये पॉजिटिव साइड अप टू इन्फिनिटी, नेगेटिव साइड अप टू माइनस इन्फिनिटी। ओके तो ये आपको नया एक्स टी अब दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहले अगर आप इस क्वेश्चन के लिए टाइम पीरियड देखें
तो जो आपका माइनस 0.5 पर है सेम आपका रिपीट हो रहा है 1.5 पर, जो आपका 0.5 पर है सेम रिपीट हो रहा है 2.5 पर, तो जो आपका माइनस 0.5 पर है सेम रिपीट हो रहा है माइनस 2.5 पर, मतलब आपका टाइम पीरियड क्या है 2 है। अभी तक हर एक क्वेश्चन में हमने टाइम पीरियड 2 ही लिया है, तो क्या इस XT का भी पुराने XT से कुछ रिलेशनशिप है? हम देख लेते हैं यहां पर, आप देखिए यहां पर जो आपने लास्ट के दो क्वेश्चन किए हैं, जो आपने एक बार राइट शिफ्ट और एक बार लेफ्ट शिफ्ट करके कैलकुलेट किया था फर्स्ट क्वेश्चन को, तो आप देखिए जो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल था उसमें आपका माइनस 0.5 पर 1 था, ठीक है, और जो आपका थर्ड एग्जाम्पल था उसमें आपका 0.5 पर 1 था, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर आपको दोनों क्वेश्चन इस तरीके से वापस लिख दूं जो आपके सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल थे, तो उससे आप बड़े आराम से आइडिया लगा पाएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल आपका ये था जो कि आपका सेकेंड वाला था, माइनस 0.5 पर 1, ठीक है, फिर यहां पर 1.5 पर 1, ठीक है, फिर आपका क्या था 3.5 पर 1 था एंड सो ऑन, यहां पर माइनस 2.5 पर 1 एंड सो ऑन। जो सेकेंड क्वेश्चन था आपका, मतलब इसी पैटर्न पे एक्चुअल में थर्ड एग्जाम्पल था हमारा, उसपे क्या था आपका 0.5 पर 1, 2.5 पर 1 एंड सो ऑन। नेगेटिव साइड में क्या था हमारा, माइनस 1.5 पर 1, माइनस 3.5 पर 1, ठीक है। तो इन दोनों सिग्नल को अगर मैं माइनस कर दूं, तो देखिए यहां पर 1.5 पे 1 है लेकिन 1.5 पर यहां पर कुछ भी नहीं है, तो 1.5 पर ओवरऑल क्या आएगा, 1 ही आएगा। आप देखिए 1.5 पे आपका 1 था। अब अगर आप देखिए 0.5 पर सेकंड सिग्नल में 1 है लेकिन फर्स्ट सिग्नल में क्या है 0, तो 0 माइनस 1, माइनस 1 आना चाहिए था, देख लीजिए माइनस 1 आया है। अब अगर आप देखिए माइनस 0.5 पर 1 है फर्स्ट सिग्नल में, माइनस 0.5 पर सेकंड सिग्नल में क्या है 0, तो 1 माइनस 0 क्या आना था 1, देख लीजिए माइनस 0.5 पे क्या आया है 1 आया है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल का सब्ट्रैक्शन ही आपको ये नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। तो इसे भी हमें सॉल्व करने की अब नीड नहीं है, तो अब हमें प्रॉपर्टी नंबर 2 अंडरस्टैंड करना है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप एक्स वन टी प्लस माइनस एक्स टू टी करते हैं तो जो उनके फोरियर सीरीज कॉफिशियंट है वो भी प्लस माइनस हो जाते हैं, मतलब सी वन एन प्लस माइनस सी टू एन, ठीक है। मतलब अगर आप दो सिग्नल को प्लस या माइनस कर रहे हैं, दो XT को अगर आप प्लस या माइनस कर रहे हैं, तो उनके जो फोरियर सीरीज कॉफिशियंट है वो भी आपके क्या हो जाएंगे, प्लस या माइनस हो जाएंगे। क्लियर है अच्छे से? तो अब आप देखिए जो आपका नया जो XT बना है उसका CN क्या हो जाएगा आपके लिए, यहां पर देखिए जो पहला आपका एग्जाम्पल था इस पैटर्न में उसका CN आया था 1/2 e की पावर जे एन ओमेगा नॉट 0.5, और जो सेकेंड एग्जाम्पल था इस पैटर्न में उसका सी एन आया था 1/2 e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट 0.5। अब दोनों एक्स टी आपके सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब सी एन भी क्या हो जाएंगे आपके सब्ट्रैक्ट, तो 1/2 e की पावर जे एन ओमेगा नॉट 0.5 माइनस 1/2 e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट 0.5। अब आप क्लियरली देख सकते हैं e की पावर j थीटा माइनस e की पावर माइनस j थीटा का फॉर्मेट है, तो इसे आप साइन थीटा लिख सकते हैं, तो 1 ठीक है कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि साइन थीटा में नीचे सिर्फ 2 नहीं होता, 2j होता है, तो अगर आप ऊपर नीचे j j से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर न्यूमरेटर में j आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी j आ जाएगा, तो जो e की पावर j थीटा माइनस e की पावर माइनस j थीटा डिवाइडेड बाय 2j होता है वो क्या होता है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा j साइन n ओमेगा नॉट 0.5। क्लियर है अच्छे से? तो ये हमारा क्या आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर अब अगर आप देखें तो ये जो आपका आंसर आया है ये अब आपका प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि e की पावर j थीटा में आपका साइन थीटा कॉस थीटा दोनों होता है, रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों होता है, यहां पर आपका सिर्फ j का टर्म है, कोई रियल टर्म नहीं है,
तो यहां पर हम एक और कंक्लूजन अब दे सकते हैं आपको, वो क्या है कि अगर आपका XT जो है, XT जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में गिवन है, वो अगर रियल है, रियल तो दिख ही रहा है, सारे एम्पलीट्यूड आपके रियल हैं, और क्या है साथ में, ऑड है, इवन है, नाइदर इवन नॉर ऑड है। ऑड के लिए आपको क्या सिखाया था कि ओरिजिन के अगर लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो सेम पोजीशन पर ओरिजिन के राइट साइड नेगेटिव होना चाहिए, जो कि है, देख लीजिए ओरिजिन के सिमेट्रिकल है, 1.5 पे 1 है तो -1.5 पे क्या है -1 एंड सो ऑन। तो आपका ओरिजिन के सिमेट्रिकल है मतलब ऑड है। तो यहां पर अगर आपका XT जो है वो रियल एंड ऑड है, ठीक है, जो आपका CN होगा वो होगा आपका, देख लीजिए आप यहां पर इमेजिनरी, ओके, एंड क्या है, इवन है, ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड है। अगर आप देखिए इमेजिनरी पार्ट को, तो जब आप n की जगह माइनस n पुट करेंगे तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, मतलब ऑड। तो क्लियर हो गया कंक्लूजन, ये हर एक क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूं वो सारे यूनिवर्सल हैं। तो अगर आपका XT रियल एंड ऑड है तो CN आपका इमेजिनरी होगा और इमेजिनरी पार्ट आपका ऑड होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपके, आपको ढेर सारे कंसेप्ट दे रहे हैं इस वीडियो में, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, साथ साथ में आपकी प्रॉपर्टीज भी क्लियर होते चले जा रही हैं फोर ईयर सीरीज की, ओके। नाउ अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं कुछ इस तरीके से बना लूं यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल को, देखिए यहां पर ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है XT, ठीक है, कुछ ऐसे दिया हुआ है आपको, एक आपको स्क्वायर वेव दी हुई है, ओके। तो इस स्क्वायर वेव में अगर आप देखें तो यहां पर आपको जीरो है, 0.5, ओके, नेक्स्ट आपको है 1.5, यहां पर है -0.5, -1.5 एंड सो ऑन, माइनस इनफिनाइट से लेकर प्लस इनफिनाइट तक, ओके। यहां पर अगर आप इस स्क्वायर वेव को ध्यान से देखेंगे तो इस स्क्वायर वेव में टाइम पीरियड कितना है, देखिए आप जो चीज आपकी 0.5 पर हो रही है वो अगली आपकी कहां पर होगी, देखिए या इस पॉइंट पर होगी, तो ये पॉइंट आपका कितना होने वाला है, ये पॉइंट आपका होने वाला है 2.5, तो 2 हो जाएगा टाइम पीरियड, या जो विजिबल है उससे देख लीजिए, जो चीज आपकी -0.5 पे हो रही है सेम चीज हो रही है आपकी 1.5 पर, मतलब टाइम पीरियड क्या है 2 है, क्लियर है। एम्पलीट्यूड मैं इस तरीके से ले रहा हूं 1/2 एंड -1/2, ठीक है। तो अब हमें इस क्वेश्चन के लिए भी फोर ईयर सीरीज कॉफिशियंट CN निकालना है, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन का रिलेशन हम बना सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से, यस बना सकते हैं। देखिए आप इस कंसेप्ट को समझने के लिए, देखिए यहां पर अगर मैं आपके लिए सिर्फ ये पोर्शन लू -0.5 से +0.5 वाला, ओनली दिस पोर्शन, उसके बाद हम इसे एक्सटेंड कर देंगे, तो आप देखेंगे इस पोर्शन में XT क्या हो रहा है, देखिए फ्रॉम -0.5 से +0.5 ओनली, देखिए माइनस एक्सट्रीम लेफ्ट से आप स्टार्ट करिए तो -0.5 पर एम्पलीट्यूड जो है वो -1/2 से +1/2 हो गया, मतलब टोटल एम्पलीट्यूड कितना चेंज हुआ 1, तो क्या लिखेंगे UT +0.5, एम्पलीट्यूड आपका 1 था और पॉइंट क्या है -0.5, तो क्या हो गया UT +0.5। मैं आपको सिखा चुका हूं कि किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर वेव को हमेशा UT के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर आपको ये कंसेप्ट याद नहीं है तो आप स्टार्टिंग की वीडियोस को रिफर कर लीजिए जहां हमने ऑपरेशन ऑन सिग्नल स्टडी किया था, ओके। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब आपका ये कांस्टेंट चल रहा है, अब अगला चेंज कहां पर हो रहा है 0.5 पर, कहां जा रहा है आपका एम्पलीट्यूड जो है वो 1/2 से -1/2 जा रहा है, मतलब कितना चेंज हुआ -1, तो -UT -0.5। तो मैंने सिर्फ यहां पर -0.5 से +0.5 तक का ही एनालिसिस किया है, ठीक है। तो यहां पर अगर अब आप देखें तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन ले लूं तो क्या हो जाएगा DXT अपॉन DT क्या हो जाएगा डेल्टा T +0.5 -डेल्टा T -0.5,
मतलब एक इंपल्स 1 का आपका बन जाएगा t इक्वल टू माइनस 0.5 पर और एक इंपल्स 1 का बन जाएगा t इक्वल टू 0.5 पर. इंपल्स का एम्पलीट्यूड आपको पता चल गया 1 एंड माइनस 1, पॉइंट्स आपको पता चल गए. इंपल्स माने एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. तो इसी कंसेप्ट को अगर आप एक्सटेंड कर दें तो यहां पर देखिए माइनस 1.5 पे क्या हो रहा है, आपका 1 बाई 2 से माइनस 1 बाई 2 जा रहे हैं, मतलब माइनस 1, ठीक है. सेम 1.5 पे क्या हो रहा है, आप माइनस 1 बाई 2 से प्लस 1 बाई 2 जा रहे हैं, मतलब प्लस 1. तो इस कंसेप्ट को अगर आप एक्सटेंड कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपने बीच वाला रेक्टेंगल जिसके लिए आपने डिफरेंशिएशन लिखा है, देखिए आप माइनस 0.5 पर एक वर्टिकल लाइन दिख रही थी, उसका टोटल एम्पलीट्यूड कितना था, माइनस 1 बाई 2 से प्लस 1 बाई 2, मतलब 1. तो देखिए वहां पर 1 एम्पलीट्यूड का एक इंपल्स बन गया. फिर देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हमें पता है ये कांस्टेंट को शो करता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं आया. फिर देखिए t इक्वल टू 0.5 पर ये 1 बाई 2 से माइनस 1 बाई 2 जा रहा है, मतलब माइनस 1. तो t इक्वल टू 0.5 पर माइनस 1 का बन गया एक इंपल्स, क्लियर है. तो इसी कंसेप्ट को आप एक्सटेंड करिए और कंप्लीट xt को आप डिफरेंशिएटेड कर दीजिए. ओके, तो क्या बन जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा dxt बाय dt, ये बन जाएगा हम लोग का, ध्यान से देखिएगा. देखिए माइनस 0.5 पर क्या है, 1, ठीक है. तो ये बन गया माइनस 0.5 पर 1, प्लस 0.5 पर क्या है, माइनस 1, बना दीजिए. अब आप एंड सो ऑन करके लिख दीजिए. ओके, तो यहां पर अब आपका 1.5 पर 1, माइनस 1.5 पर माइनस 1, एंड सो ऑन अप टू माइनस इंफिनिटी एंड अप टू इंफिनिटी. तो अब अगर आप इस डायग्राम को कंपेयर करें तो ऐसा डायग्राम आपने यहां पर सॉल्व किया हुआ है लास्ट एग्जाम्पल में, ठीक है ना, जो आपका ऑड सिग्नल बना था, सेम डायग्राम है, आप देख सकते हैं. तो आपको इस डायग्राम के लिए सी एन पता है, देख लीजिए जे साइन एन ओमेगा नॉट 0.5. तो क्या हम इसका यूज कर सकते हैं, देखिए ये तो आपको डिफरेंशिएशन के बाद मिला है ना, ओरिजिनल सिग्नल तो आपका ये एक्स टी है. तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें स्टडी करनी है P3, वो है आपकी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर सीरीज. अगर XT का फोरियर सीरीज कॉफिशियंट आपका CN है तो DXT बाई DT का आपका हो जाएगा फोरियर सीरीज कॉफिशियंट JN ओमेगा नॉट CN. अगर आप दो बार करेंगे तो JN ओमेगा नॉट का स्क्वायर, तीन बार के लिए क्यूब, एंड सो ऑन. तो अब आप समझिए, यहां पर आपको DXT बाई DT का पता है, आपको XT का चाहिए, ठीक है ना. तो dxt by dt का क्या होता है, jn omega not cn, आपको xt का चाहिए. तो dxt by dt के फोरियर सीरीज कॉफिशियंट को क्या करूं कि xt का फोरियर सीरीज कॉफिशियंट निकल जाए, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं यहां पर jn omega not से डिवाइड कर दूं तो मुझे cn मिल जाएगा वापस से. तो ध्यान रखिएगा, हमें xt का निकालना है और dxt by dt का पता है. प्रॉपर्टी हमने अपोजिट पढ़ी है कि अगर हमें xt का पता है तो dxt by dt का क्या होगा, हमें यहां पर पता है dxt by dt का, हमें निकालना किसका है, xt का. तो देखिए dxt by dt का क्या है, j sin n omega not 0.5, ठीक है. तो आप देखिए xt का cn क्या हो जाएगा, j sin n omega not 0.5 divided by j n omega not. ओके, तो j और j आपका कैंसल, तो cn सिर्फ बचेगा sin n omega not 0.5 upon n omega not. क्लियर है अच्छे से. अब यहां पर आप ध्यान से देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है, हमने पहला क्वेश्चन जो देखा था उसमें भी xt आपका रियल और इवन था, जिसमें आपका cn भी क्या आया था, रियल एंड इवन, हमने प्रूफ किया था उसे. यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिग्नल भी आपका y एक्सिस के बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो ये भी आपका क्या है, इवन, और एम्पलीट्यूड आपके सारे के सारे रियल हैं, तो ये सिग्नल भी आपका रियल एंड इवन है. तो इसके लिए भी जो सीएन आया है वो रियल और इवन ही होना चाहिए. क्या आ रहा है, आप देखिए, यस, जे जे कैंसल हो गया था, कोई भी जे का टर्म नहीं है, तो रियल तो है, बिल्कुल फिक्स हो गया. क्या इवन है, पर यहां तो साइन का टर्म है, लेकिन यहां नीचे भी एक एन है, ध्यान से देखिए.
तो जब आप n की जगह माइनस n पुट करेंगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन इस n के कारण एक और माइनस क्रिएट हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आपका इवन भी है। तो हमने उस प्रॉपर्टी को फिर से प्रूफ कर दिया कि अगर आपका एक्स टी रियल एंड इवन है तो सी एन भी क्या होगा, रियल एंड इवन। और साथ ही साथ हमने फोरियर सीरीज के लिए भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली हैं, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, तो ये जो आज की वीडियो थी हमारी, ये आपकी कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल दोनों थी, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं था इस वीडियो में, हमने ढेर सारे कंसेप्ट सीखे हैं। ओके, तो अगर इस वीडियो में कहीं भी किसी भी कंसेप्ट या किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट हो तो उसे आप क्लियर करिए सबसे पहले। ओके, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं अपने डाउट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और कंसेप्ट और कुछ और न्यूमेरिकल कंसीडर करूंगा फोरियर सीरीज के लिए। ओके, थैंक यू।